नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अंबेडकर के कोई मायने नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा के कोई मायने नहीं है? क्या कट्टर हिंदुत्ववाद बाबा साहब अंबेडकर से ऊपर है? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन्स पर ये हैं अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम। आप जानते हैं इनका क्या गुनाह था? इनका गुनाह सिर्फ ये था कि जो 22 प्रतिज्ञाएं अंबेडकर साहब अपने काल में गली गली में करवाया करते थे, खुद भी करते थे, और आज भी वो 22 प्रतिज्ञाएं हो रही हैं, उन प्रतिज्ञाओं में जो पहली 2-3 बातें थी, सिर्फ वही प्रतिज्ञा लेने पर राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार यह कह रही है कि हमारे कहने पर यह इस्तीफा दिया गया है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि राजेंद्र पाल गौतम ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के हौसले इतने बढ़ गए हैं दोस्तों कि बाबा साहब अंबेडकर जो एक अरसे से शिक्षा दे रहे हैं, उस शिक्षा के भी कोई मायने नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि राजेंद्र पाल गौतम ने दरअसल जिस तरह के अत्याचार दलितों पर हो रहे हैं, छोटी जातियों पर हो रहे हैं, और उन अत्याचारों के सामने प्रशासन ने आंखें मूंद रखी हैं, उस अत्याचार के खिलाफ उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया था। और उन्होंने क्या कहा था, मैं आपको बताता हूं। दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने अपने पत्र में लिखा है कि वो समाज में बढ़ रहे जातिगत भेदभाव से आहत हैं। छोटी छोटी बात पर हत्याएं हो रही हैं, लोगों का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को जो प्रतिज्ञा ली थी, उसे बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिलाई गई थी। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिज्ञा लेने पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, और बीजेपी ये ढोल पीट रही है कि हमने राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा दिलवाया। सबसे बड़े दुख की बात कि अरविंद केजरीवाल इस पर खुश हैं। अंबेडकर की शिक्षा का कत्ल अरविंद केजरीवाल के सामने हो रहा है, उस पर वो पूरी तरह से खामोश है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर की वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी, और मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि राजेंद्र पाल गौतम ने जो बात कही है, दरअसल उसमें वजन क्यों है। क्योंकि आज भी इस देश में दलित होना एक अभिशाप है। दलित होने पर आप पर जो अत्याचार होते हैं, प्रशासन जिस तरह से आंखें मूंद लेता है ना, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिज्ञा की कुछ प्रतिज्ञाएं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो आपके स्क्रीन्स पर आ रही हैं। राजेंद्र पाल गौतम ने यही प्रतिज्ञाएं ली थी, और ये प्रतिज्ञाएं पढ़ने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरा खुद का 2 धार्मिक प्रतीकों पर विश्वास है, भगवान शिव और गौतम बुद्ध। कहने को ये आध्यात्म के 2 सिरे हैं, मगर इन दोनों के पास जाकर, इन दोनों की शरण में जाकर मुझे सुकून मिलता है, मुझे इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता है। मैं नहीं भूल सकता हूं कि जब भी मैं बिहार जाता हूं तो मैं बौद्ध गया जरूर जाता हूं, मैं कुशीनगर हमेशा जाता हूं जब भी मैं गोरखपुर या उसके आसपास रहता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर की वो 22 प्रतिज्ञाएं क्या थी, जो आपके स्क्रीन पर आ रही हैं एक एक करके। बाबा साहब अंबेडकर ने प्रतिज्ञा ली थी, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर की दूसरी प्रतिज्ञा थी, मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर की तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति और हिंदुओं के अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। बाबा साहब अंबेडकर की अगली प्रतिज्ञा, मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता हूं। आगे वो बोलते हैं, मैं ये नहीं मानता हूं और ना कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे, मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूं।
मैं श्राद्ध में भाग नहीं लूंगा और ना ही पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध के सिद्धांतों और उपदेशों का उल्लंघन करने वाले तरीके से कार्य नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मणों द्वारा निष्पादित होने वाले किसी भी समारोह को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं मनुष्य की समानता में विश्वास करता हूं। मैं समानता स्थापित करने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों इसी तरह से 22 जो हैं वो प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अंबेडकर ने ली थी। राजेंद्र पाल गौतम का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने ये 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। और भारतीय जनता पार्टी अब ये डंका पीट रही है कि हमने बाबा साहब अंबेडकर की उन 22 प्रतिज्ञाओं का अपमान किया। वाकई भारतीय जनता पार्टी के हौसलों को मानना पड़ेगा दोस्तों, इस बात को मानना पड़ेगा कि आज उनका जो कट्टर हिंदुत्ववाद है, जो सिर्फ लोगों को बांटने का काम करता है, वो भारी पड़ गया है बाबा साहब अंबेडकर की शिक्षा पर। और बाबा साहब अंबेडकर ने भी वो शिक्षा क्यों दी थी? क्योंकि वो जानते थे कि उस वक्त के समाज में दलितों के प्रति अत्याचार जारी हैं, वो अत्याचार खत्म नहीं हो रहे थे, हिंदू धर्म में उन्हें संरक्षण नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उन्होंने वो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। आज भाजपा का हिंदुत्व उन 22 प्रतिज्ञाओं पर भारी पड़ रहा है। आप में से कई लोग कहेंगे कि ये तो हिंदू धर्म का अपमान है, आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश इनको कोई क्यों नहीं मानेगा? तो मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राजेंद्र पाल गौतम वो बात क्यों कह रहे थे कि आज भी दलितों पर अत्याचार हो रहा है। एक एक करके वो खबरें आपके सामने आ रही हैं। सबसे पहले दोस्तों इस तस्वीर को देखिए, हाथरस में एक गुड़िया का शव रातोंरात जला दिया गया था। परिवार उसके अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हो पाया था, लड़की दलित थी। आगे कुछ और खबरें देखिए दोस्तों। अभी हाल ही में दुर्गा पूजा के दौरान यह खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भगवान की मूर्ति छू लेने पर दलित की हत्या। 50 साल के जगरूप को पीट पीट कर मार डाला गया और आरोपी कौन है? संदीप मिश्रा, कुलदीप मिश्रा पर FIR दर्ज, आरोपी फरार। कुछ और खबरें मैं आपको दिखलाना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने वो प्रतिज्ञाएं तो बहुत सालों पहले ली थी, मगर आज भी उनकी जो शिक्षा है वो प्रासंगिक है, उसके मायने हैं। ये खबर देखिए, गुजरात चुनावी सभा में जा रहे कांग्रेस के दलित MLA को पीटा, कार पर फेंके पत्थर, BJP वालों ने गालियां दी। ये तो विधायक था ना, इसे तो सत्ता से संरक्षण हासिल होना चाहिए, मगर इसे गालियां दी BJP के नेताओं ने, पत्थर मारे दलित विधायक। आगे देखिए, यह है स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान और मैं चाहूंगा कि भाजपा इसका जवाब दे। फरुखाबाद पूर्व मंत्री ने संकिसा बौद्ध महोत्सव में की शिरकत, स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री पर बोला हमला, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का लगाया आरोप, प्रधानमंत्री ने 340 IAS की बिना परीक्षा के कराई नियुक्ति, एक भी दलित और पिछड़ी जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं है। क्या यह बात सच है प्रधानमंत्री? जो आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य लगा रहे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे में अगर राजेंद्र पाल गौतम वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, उन प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहे हैं जो प्रतिज्ञा बाबा साहब अंबेडकर ने ली थी, तो उसमें गलत क्या है? अब तीन और खबरें बताता हूं मैं आपको एक एक करके। कुशीनगर क्राइम, डेड बॉडी ऑफ दलित गर्ल फाउंड हैंगिंग इन कुशीनगर। और सिर्फ ये खबर नहीं है, हाथरस में आपको बता चुका हूं, माइनर दलित गर्ल रेप्ड इन UP's अमेठी, चाहे कुशीनगर हो अमेठी, हर जगह वही दास्तान। अब एक और खबर देखिए, पीलीभीत, अ दलित माइनर गर्ल रेप्ड बाय अ विलेज मैन इन फार्म। पीलीभीत, अमेठी, कुशीनगर, हर जगह दलित बच्चियों पर ही अत्याचार किए जा रहे हैं। यही बात तो राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको बतला चुका हूं कि हाल ही में दुर्गा पूजा में जगरूप ने सिर्फ मूर्ति को छोया था और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ और खबरें मुलायजा फरमाइए, चोरी के शक में दलित बच्चे को बिजली के खंभे से बांधा, फिर 10 लोगों ने मिलकर पीटा। यह हो रहा है 2022 के भारत में, हम सबको इस खबर पर शर्म आनी चाहिए। आगे खबरों पर गौर कीजिए, कानपुर, गुंडों ने बीच रास्ते में रोककर दलित युवक को गाली दी,
गालियों के विरोध पर दलित को पीटकर फोड़ा सिर, शिकायत करने थाने गए दलित को भगाया गया, कई घंटों बाद भी पुलिस ने घायल का मेडिकल नहीं करवाया। बिधुनू थाना क्षेत्र के घुरु आखेड़ा गांव का मामला है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है साहब, जहां पर ये बताया जाता है राम राज्य है। चलिए पड़ोस मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत ऑफिस में एक कुर्सी पर बैठने पर 30 साल के दलित व्यक्ति को कुछ लोगों ने पीटा। उसका गुनाह सिर्फ इतना था दोस्तों कि वो कुर्सी पर बैठा था। बताइए, वो अपनी बारात नहीं निकाल सकता आपके घर के सामने से, वो पानी नहीं पी सकता, वो हमारे भगवान की मूर्ति को नहीं छू सकता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये हकीकत है। राजेंद्र पाल गौतम अगर बाबा साहब अंबेडकर की उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहे हैं तो इन हकीकतों के आधार पर दोहरा रहे हैं। आगे और कीजिए, कर्नाटक, दलित किशोर के ग्राम देवता के मूर्ति छूने पर परिवार पर 60,000 का जुर्माना, सिर्फ मूर्ति छू लेने पर। आगे देखिए, दलित बच्चे ने छुई मूर्ति, लगा 60,000 का जुर्माना, परिवार बोला अब आंबेडकर की पूजा करेंगे। ढेरों ऐसी खबरें हैं दोस्तों। आगे देखिए, दबंगों के भय से दलित परिवार पलायन करने को मजबूर, दलित परिवार ने घर के बाहर लगाया पलायन का पोस्टर, शिकायत करने के 6 दिन बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। थाना गजरौला इलाके के सराय सुंदरपुर गांव का मामला। आप जानते हैं तमाम जो खबरें मैं आपको बतला रहा हूं ना दोस्तों, ये तमाम खबरें पिछले 1-2 साल की हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 50 साल पहले की ये कोई खबर रही होगी, नहीं, पिछले 2 साल की हैं। और इनमें से कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हैं जहां पर भाजपा की सरकार है। वो भाजपा जिनके ये नेता रामवीर सिंह बिधुरी जो कि विधायक हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा दिलवा लिया। अपनी छाती ठोक रहे हैं ये, बाबा साहब अंबेडकर का इस तरह से अपमान, मगर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ रहा है। बीजेपी को समझना पड़ेगा कि अगर राजेंद्र पाल गौतम ने वो 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराया तो उसकी वजह क्या है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि समाज में क्या हो रहा है। आपके सामने एक और खबर दोस्तों, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खाना छू लेने पर एक दलित की कथित तौर पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हालत है मध्य प्रदेश की। और आखिरी एक और खबर आपके स्क्रीन पर आ रही है, उत्तर प्रदेश, कथित तौर पर बाइक छू लेने से शिक्षक ने दलित छात्र को पीटा, केस दर्ज। सारी खबरें आपकी स्क्रीन्स पर थी दोस्तों। मैं आपको चुनौती देता हूं, इनमें से एक भी खबर को आप झूठा साबित कीजिए। ये सारे अत्याचार दलितों के साथ हो रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम यही बात अपने उस संकल्प, अपने उस प्रतिज्ञा में दोहरा रहे थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वो क्या कह रहे हैं दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव दिवस है एवं दूसरी ओर मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि है। ऐसे संयोग में आज मैं कई बंधनों से मुक्त हुआ और आज मेरा नया जन्म हुआ है। अब मैं और अधिक मजबूती से समाज पर होने वाले अत्याचारों और अधिकारों की लड़ाई को बिना किसी बंधन के जारी रखूंगा, ऐसा राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं। सीधा सवाल, राजेंद्र पाल गौतम ने जो 22 प्रतिज्ञाएं ली वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? क्योंकि अगर हिंदू धर्म का अपमान है तो वो हिंदू धर्म का अपमान बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया था, और अगर बाबा साहब अंबेडकर ने हिंदू धर्म का अपमान किया है तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देता हूं कि वे आए मन की बात में कहें कि बाबा साहब अंबेडकर हिंदू विरोधी थे। क्या इतना शौर्य, इतना साहस है उनमें कि वो सामने आकर ये बात कह सकें? नहीं, वो नहीं कहेंगे। मगर आज उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बाबा साहब अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं के अपमान पर जश्न मना रही है, ढोल पीट रही है, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, दुख की बात यह है कि भाजपा का जो कट्टर हिंदुत्ववाद है ना, जो लोगों को बांटता भी है, मैं हिंदू धर्म नहीं कह रहा हूं, मैं भाजपा का कट्टर हिंदुत्ववाद कह रहा हूं, जो लोगों को बांटने का काम करती है, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, उसके सामने अरविंद केजरीवाल भी झुक गए हैं,
जी हां, कायदे से अरविंद केजरीवाल को अपने इस विधायक की रक्षा करनी चाहिए थी, अपने इस मंत्री की रक्षा करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम अब भी कह रहे हैं कि उनका अरविंद केजरीवाल में विश्वास है, आम आदमी पार्टी में विश्वास है, मगर अंदर खुद को खंगालिएगा राजेंद्र पाल गौतम जी, आप जानते हैं कि आपके साथ विश्वासघात अरविंद केजरीवाल ने भी किया है। खैर, मगर इस मंच पर हम आप तक खबरों की हकीकत लाते हैं और आज के इस न्यूज चक्र का यही मकसद था आपको बतलाना कि किस तरह से भाजपा का कट्टर हिंदुत्ववाद अब आंबेडकरवाद पर हावी हो गया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।